गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस माय सेल्फ सोनम चौहान। सो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिन भी बच्चों का पीजीटी एग्ज़ाम है 17-18 अगस्त को, उनको क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना जो एडमिट कार्ड होता है उसको निकलवा लेते हैं, बट उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, जो निर्देश दिए होते हैं, उसको वो कभी रीड ही नहीं करते हैं। और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में जिन जिन का होता है उनसे पूछ करके वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अच्छा ये लेकर के जाना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सेंटर पहुँचते हैं, जैसे ही वहाँ पर चेकिंग होती है, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें रिप्लेस कर जाते हैं, छोड़ आते हैं या भूल जाते हैं। तो वहाँ पर फिर आपके पास वो इतना टाइम नहीं रहता है, फिर आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हो, यार तूने नहीं बताया। एक्चुअल में सबके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं एडमिट कार्ड के पीछे, बट कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम बच्चे उसको पढ़ते हैं। बट सबसे पहली जो जरूरी बातें होती है कि एडमिट कार्ड के पीछे हर एक निर्देश को बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ना होता है, वो इसीलिए आपको दिया जाता है। अगर वो इम्पोर्टेंट ना होता तो खाली एडमिट कार्ड ही निकलवा करके आपको दे दिया जाता, ठीक है। उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो निर्देश दिए होते हैं, वो इम्पोर्टेंट ना होते, इम्पोर्टेंट है तभी आपके एडमिट कार्ड के पीछे वो लगे हुए होते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं पॉइंट वाइज कि क्या आपको एग्ज़ाम में लेकर के जाना है और क्या आपके लिए प्रोहिबिटेड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करना, और इसके साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इस तरह की जो अपडेटिंग है वो वहाँ पर लगातार हम डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम इज़ ए वन ऑफ द बेस्ट ऐप, मैंने हमेशा से बोला है स्टडी के लिए सबसे बेस्ट ऐप होता है टेलीग्राम। तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट करो, वहाँ पे जाकर के फॉलो करो, ताकि आपको अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप यूट्यूब भी नहीं देखते हो, तो बट वहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम के माध्यम से या आपको फेसबुक पेज के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके पास पहुँच ही जाता है, तो आप सीधे जा कर के वहाँ पर यूट्यूब से वो सर्च कर लेते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम में सबसे पहला काम क्या होता है आपका, आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसके पीछे प्लीज़ जो निर्देश होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा और उनको अच्छी तरीके से रीड कर लेना। ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होती कि आपको समझना है, मोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं, बेसिक सी चीज़ें होती हैं। नॉर्मली इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम के सभी बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं, बट ये एक एक्सक्यूज़ होता है कि इज़ ए टिपिकल लैंग्वेज, समझ में नहीं आती क्या है ये, तो हर एग्ज़ाम में हर एडमिट कार्ड के पीछे ये लोग देते ही हैं, तो एक्स्ट्रा है भाई। अगर वो देते हैं ना तो वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उसे एडमिट कार्ड के साथ अटैच करके आपको दिया जाता है। मेरे भी एग्ज़ाम होते हैं, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बट हाँ स्टार्टिंग में मैं भी नहीं पढ़ती थी, मैं भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह छोड़ देती थी, स्किप कर देती थी, और फिर जो अदर्स होते थे जो मेरे साथ में होते थे उनसे पूछती थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती थी। तो ये चीज़ें मैंने सीखी है और यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं अपने पास दो फ़ोटो हमेशा रखें, क्योंकि फ़ोटो की कब कहाँ किसको ज़रूरत पड़ जाए, कौन से सेंटर में कहाँ फ़ोटो को अटैच करना पड़ जाए, ये कहाँ नहीं जा सकता, तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हमेशा चाहे देखिए बाद में उसको यूज़ हो ना हो, लेकिन आपके पास कम से कम आपके दो फ़ोटो, मैक्सिमम दो फ़ोटो तो आपके होने ही चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, पेन का जो ऑप्शन है वो कैसा रखना है। देखिए ज़्यादातर मैंने खुद ने इन्विजिलेटर के रूप में काम किया है, तो मैंने क्या देखा है, बहुत सारे बच्चे कैसा पेन यूज़ करते हैं, जो जेल पेन होता है ना उसको यूज़ करते हैं, वो भी ब्लू जेल पेन यूज़ करते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव वाले एग्ज़ाम हो ना, रिटेन वाले एग्ज़ाम हो, या फिर ऑप्शनल वाले एग्ज़ाम हो, मार्कशीट के बेस पे जो एग्ज़ाम होते हैं चाहे वो हो, आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे बॉल ब्लैक पेन यूज़ करना है, तो वो भी मोटी निब का जो आता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही बारीक निब का ले लेते हैं, 5-10 मिनट आपके गोले भरने में निकल जाता है, ठीक है। वो 5-10 मिनट इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए कितने वैल्यूबल हो सकते हैं, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं, बट हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड। वैसे तो हर एग्ज़ाम में अब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपका आधार कार्ड मांगा जाता है, तो आप अपना आधार कार्ड हमेशा अपने पास रखें, ठीक है। वहाँ पर चेकिंग पोस्ट पर आपको आधार कार्ड ही दिखाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ सेंटरों पर देखिए आपके वैक्सीनेशन कार्ड को देखा जा रहा है। सो आप जिस भी सेंटर पे जहाँ भी आपका एग्ज़ाम है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ देखा जाए या ना देखा जाए, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा भी जा रहा है,
अब ये नहीं कह सकते कि भाई 100% ही देख रहे हैं लोग, लेकिन अपने पास अपना वैक्सीनेशन कार्ड हमेशा रखिए। अगर नहीं भी लगा होगा अभी आपको, मतलब नहीं मिला होगा वैक्सीनेशन, तो जरूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, आप एग्ज़ाम भी देंगे। बट अगर आपको लगा हुआ है तो आप अपने पास अपना जो कार्ड आपको मिला है वैक्सीनेशन का, वो अपने साथ रखिए। अगर देखते हैं तो दिखा दीजिए, और नहीं देखते हैं तो अपने पास संभाल करके उस चीज़ को रख लीजिए। क्योंकि कुछ सेंटरों पर हमने देखा है, कुछ सेंटरों पर हमें सुनने में आया है कि वैक्सीनेशन कार्ड को भी वो लोग चेक कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर कम से कम 45 मिनट्स पहले ही वहाँ पे पहुँच जाए। ये आपके लिए भी सहूलियत होती है और आपके साथ में जो भी आने वाले हैं उनके लिए भी होती है। सबसे ज़रूरी बात देखिए, सब फर्स्ट प्रायोरिटी पर तो होती है आपका जो मास्क और जो सैनिटाइज़र है, वो अब तो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो उसे आप अपने हमेशा साथ में रखिए। आपकी सेफ्टी के साथ साथ आपके फैमिली की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको अपना जो मास्क है वो हमेशा कैरी रखना है। जब तक आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब तक आप अपना जो मास्क है वो कैरी रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें, ठीक है। कोशिश करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि डिस्टेंस बना करके रखें, ठीक है। धीरे धीरे एंट्री सबकी होती है, किसी को नहीं बाहर रखा जाता है। जिसका एग्ज़ाम होता है एंट्री सबकी होती है टाइम पर, लेकिन जो होता है ना भीड़ में सबसे पहले जाना, सबसे पहले बैठ करके देखना वहाँ पे, वो नहीं करना है। धीरे धीरे डिस्टेंस के माध्यम से ही कोशिश करना कि जो डिस्टेंस है वो बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ये एग्ज़ाम है, कोई सब एग्ज़ाम है, आप हर एग्ज़ाम में अपने पास एक छोटी वाटर बॉटल हमेशा रखें। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ऐसे में माइंड को सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो चाहिए होता है, उसको पानी चाहिए होता है। और अगर आप टाइम पर अपने माइंड को पानी नहीं देते तो आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे कम, मतलब उसकी जो पावर्स होती है वो डाउन होती जाती है, तो तभी आपके जो सही क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं, है ना। तो आपको सही क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने हैं, आपको छोटी एक वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रखनी है। तो ये सर जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे वो आपको फॉलो करने हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।